राजेश भैया आपका काम हो गया, लेकिन एक टेंशन है। काम हो गया तो फिर टेंशन किस बात का? मैंने उनसे कहा कि आप अपना मैटर उनसे वापस लेना चाहते हैं, वो मान तो गए, लेकिन बदले में उन्होंने कुछ रुपयों की मांग की है। रुपयों की मांग की? किस लिए? उन्होंने मेरा क्या काम किया? ऐसा मत कहिए राजेश भैया, वो लोग आपके साले के पास गए थे पैसे वसूल करने के लिए, और अगर वो एक बार जाते तो आपके हिस्से की जायदाद वो वसूल कर लेते। तो उनका तो उसूल है कि एक बार अगर मैटर हाथ में ले लिया तो उसकी वो फीस चाहते हैं। फीस? हाँ, जो वो काम करते हैं और जिसके बदले में वो रुपए लेते हैं उसे वो फीस कहते हैं। मैं कुछ ही देने वाला उन्हें? ये तो गलत बात है। आपको पता है कि आपके साले ने उनके खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी। एक तो पुलिस उनके पीछे पड़ी है और उन्हें रुपए भी ना मिले तो वो छोड़ेंगे नहीं। तो क्या कर लेंगे? मार डालेंगे मुझे? मैं उन्हें एक रुपया नहीं दूंगा। राजेश भैया, मैंने अब तक आपको बताया नहीं, लेकिन अब बताना जरूरी समझता हूं। दरअसल उन्होंने धमकी दी है। धमकी दी? हाँ, वो लोग शरीफ लोग नहीं हैं। मैं उन्हें शरीफ समझता था, लेकिन वो तो वाकई में गुंडे निकले। आज ही मुझे उनके बारे में पता चला। दरअसल जितने भी मर्डर्स होते हैं उन मर्डर्स के पीछे उन्हीं का हाथ होता है। राज, तुमने तो मुझे फंसा दिया। राजेश भैया, मेरा यकीन कीजिए, मैं उन्हें शरीफ समझता था। मुझे नहीं पता था कि वो लोग ऐसे लोग होंगे। जब मैंने आपकी बहुत तरफदारी करने की कोशिश की तो उन्होंने मेरा गिरेबान पकड़ लिया, मेरी कनपट्टी पर रिवॉल्वर रख दी। अरे कुछ कीजिए, नहीं तो मुझे और आपको दोनों को मार देंगे। वो तो ऐसे लोग हैं कि घर में घुस के हम दोनों की जान ले लेंगे। वो किसी के बीवी बच्चों तक को नहीं छोड़ते। नहीं। अब आप ही सोचिए कि अगर आपके सामने आपके जवान बेटे को अगर उन्होंने मार दिया तो क्या होगा? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, तुम फिक्र मत करो।